हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ये हमारा फेसबुक का पेज है क्वांट स्टडी नाम से। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो ये लेक्चर 12th है और ये बेस्ड है ऑन हिस्टोरिक प्लेसेस ऑफ कश्मीर पे। और जब भी मैं कश्मीर बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं संपूर्ण कश्मीर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस पे भारत का हक है, भारत के कश्मीरी मुसलमानों का, कश्मीरी पंडितों का, हर एक नागरिक का हक है। इससे पहले लेक्चर 11, टोटल 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप JKSSB की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 11th लेक्चर में हमने जम्मू के हिस्टोरिक प्लेसेस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो JKSSB की प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में ये जो जगहें आपको दिख रही हैं, टूरिस्ट स्पॉट और हिस्टोरिक डेस्टिनेशंस, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा हर एक जगह के बारे में, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि और भी कोई जगह है जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कश्मीर की कोई जगह आपको लगती है तो नीचे कमेंट करिएगा। ये वीडियो पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर वही लोग करवाएंगे जो ये वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। तो एंड में उस क्वेश्चन का वेट करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। हर एक जगह को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको हर एक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अमरनाथ गुफा या अमरनाथ केव के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी में हमारे पास 18 शक्तिपीठ हैं और अमरनाथ उन 18 शक्तिपीठ में से एक है। ये 141 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से और पहलगाम के थ्रू यहाँ पर जाया जाता है। अमरनाथ गुफा की जो अंदर से हाइट है, जो गुफा है उसके अंदर से जो हाइट है वो 131 फीट है। बेसिकली होता क्या है कि जो गुफा है इसका जो रूफ है ना, वहाँ से पानी की बूंदें नीचे गिरती रहती हैं और जब वो फ्रीज होती हैं, जब वो जम जाती हैं तो वहाँ एक शिवलिंग बन जाता है। जो अमरनाथ गुफा है इनके बारे में महाभारत और पुराण में भी जिक्र किया गया है। जिनको महाभारत और पुराण नहीं पता, ये हिंदुओं के टेक्स्ट हैं, ठीक है, महाभारत और पुराण। ये वीडियो मैं 2019 में बना रहा हूँ और इस साल अमरनाथ यात्रा में 343,000 यात्री गए थे और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट इस सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शालीमार बाग, द मोस्ट फेमस शालीमार बाग। तो शालीमार गार्डन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ ताकि आपके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बेसिकली जो हमारी डल लेक है, द फेमस डल लेक है, उसके पास में तीन गार्डन है हमारे पास। एक है शालीमार गार्डन, एक है निशांत गार्डन और एक है चश्मेशाही। इनमें से जो सबसे बड़ा है वो है शालीमार गार्डन, उसके बाद आता है हमारे पास निशांत गार्डन एंड थर्ड नंबर पे आता है चश्मेशाही। इसमें हम बात करेंगे शालीमार बाग के बारे में। शालीमार बाग या फिर आप इसे शालीमार गार्डन कहें या फरा बख्श कहें या फैज बख्श कहें, बहुत सारे नाम हैं इनके। ये गार्डन बेसिकली मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूरजहान के लिए और ये बनाया गया था 1619 में। शालीमार बाग को हम बहुत प्राउडली क्राउन ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं। ये जो पूरा गार्डन है ये 31 एकड़ में फैला हुआ है और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। तो बेसिकली तीन गार्डन थे, शालीमार, निशांत और चश्मेशाही। अभी हमने शालीमार पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं वो है निशांत गार्डन। तो निशांत गार्डन भी हमारे पास एक मुगल गार्डन है और ये भी शालीमार बाग की तरह डल झील के पास है। निशांत एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है खुशी, तो इसलिए निशान गार्डन का मतलब हो गया गार्डन ऑफ जॉय। ये गार्डन 1633 में बना था और ये बनाया गया था बाय आसिफ खान। आसिफ खान कौन थे? आसिफ खान नूर जहां के भाई थे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है जिसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। बेसिकली ये गार्डन बनाया गया था 1633 में बाय आसिफ खान, और जब ये गार्डन बनाया था उन्होंने यहाँ पे शाहजहाँ को लेकर आया था। जब वो शाहजहाँ को यहाँ लेकर आए तो शाहजहाँ को ये गार्डन बहुत सुंदर लगा, वो हैरान हो गए थे इस गार्डन को देख के, बार बार इसकी तारीफ कर रहे थे। बेसिकली वो चाहते थे कि आसिफ खान उनको ये गार्डन गिफ्ट कर दे, बट आसिफ खान ने ऐसा किया नहीं।
तो गुस्से में एक दिन आकर शाहजहाँ ने यहाँ की वाटर सप्लाई बंद करवा दी। और आपको पता है पानी किसी भी गार्डन की हार्ट बीट होती है, तो ये गार्डन बेकार होना शुरू हो गया। एक दिन आसिफ खान उदास बैठे थे पेड़ के नीचे, तो उनके सर्वेंट ने जाके वाटर सप्लाई ऑन कर दी। लेकिन आसिफ खान जल्दी से उठ खड़े हुए और उन्होंने वाटर सप्लाई वापस ऑफ कर दी और उन्होंने कहा, बेसिकली उनके मन में डर था कि शाहजहाँ कहीं और नाराज ना हो जाए। जब ये कहानी शाहजहाँ ने सुनी तो शाहजहाँ को प्राउड फील हुआ, उनको लगा कि नहीं आसिफ खान लॉयल हैं, तो उन्होंने वापस इस गार्डन की वाटर सप्लाई ऑन कर दी। ये गार्डन दिखने में जितना सुंदर लग रहा है इससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 टेरेस हैं और हर एक टेरेस जो है वो एक जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो इस सीरीज में अब हम पढ़ेंगे वो है चश्माशाही। तो चश्माशाही बनाया गया था ऑन 1632 और ये बनाया था अली मर्दान खान ने। आप में से बहुत लोगों ने अली मर्दान खान का नाम नहीं सुना होगा। बेसिकली शाहजहाँ के राज में ये गवर्नर हुआ करते थे। शाहजहाँ ने गार्डन अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोही के लिए बनाया था। जब भी आप चश्माशाही को एंटर करेंगे तो ईस्ट की तरफ यू विल फाइंड परी महल। बेसिकली ये वो जगह थी जहाँ दारा शिकोही एस्ट्रोलॉजी सीखा करते थे और ये वही जगह थी जहाँ उन्होंने औरंगजेब को भी मारा था। और अगर आप प्लान कर रहे हैं चश्माशाही विजिट करने के लिए तो लेट मी हेल्प यू। ये गार्डन श्रीनगर एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिल्कुल साथ में है राजभवन के, जो गवर्नर हाउस है उसके बिल्कुल साथ है। और द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस गार्डन इज मार्च से लेके नवंबर तक। बहुत अच्छा गार्डन है, पूरे एक एकड़ में फैला हुआ है ये गार्डन। द नेक्स्ट अप इन दिस सीरीज इज गुलमर्ग। तो गुलमर्ग बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। इस जगह का पहले नाम गौरी मार्ग हुआ करता था, जो हिंदू गॉडेस है हमारी देवी देवी गौरी, उनके नाम पे होता था। तो बाद में यहाँ पे एक रूलर आए थे जिनका नाम था यूसुफ शाह, उन्होंने यहाँ का नाम बदल दिया था, गुलमर्ग कर दिया था। गुलमर्ग का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। तो जब यहाँ 19 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट की थी। सबसे पहले उन्होंने 3 गोल्फ कोर्स बनवाए थे यहाँ पे, जिनमें से एक गोल्फ कोर्स तो एक्सक्लूसिवली उन्होंने महिलाओं के लिए बनाया था। 1927 में भी ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट्स की, उन्होंने यहाँ को एक विंटर स्पोर्ट्स हब बना दिया। और आज CNN न्यूज़ के अनुसार जो गुलमर्ग है हमारे पास, ये हार्ट लैंड है विंटर स्पोर्ट्स का पूरे भारत का। बहुत ही सुंदर जगह है और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो श्रीनगर के थ्रू वाया तनमर्ग रोड से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो है हरी पर्वत। तो हरी पर्वत पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप इस वीडियो को लाइक करें। मैंने कोशिश की है कि हर एक जगह के साथ उसके रिलेटेड जो स्टोरी है वो भी आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको याद करने में इजी हो सके। तो अब शुरू करते हैं हरी पर्वत। हरी पर्वत बेसिकली पहाड़ है, पर्वत का मतलब ही पहाड़ होता है, ठीक है। और इस जगह की जो मेन इम्पॉर्टेंस है, मेन अट्रैक्शन पॉइंट कह लो, वो ये है कि यहाँ पे आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, एक टेम्पल भी देखने को मिलेगा हिंदू, एक मॉस्क भी देखने को मिलेगी और एक दुरानी फोर्ट भी यहाँ की इम्पॉर्टेंस है, अट्रैक्शन पॉइंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुरानी फोर्ट के बारे में। जो दुरानी फोर्ट है उसका जो बेसिक आइडिया आया था वो अकबर को आया था। बेसिकली उन्होंने इसकी जो फाउंडेशन है, जो वॉल्स थी चारों तरफ की, वो बनवाई थी 1590 में, लेकिन उन्होंने इसको कम्प्लीट किया नहीं। इसको कम्प्लीट किया था शुजा शाह दुरानी ने और ये कम्प्लीट हुआ था 1808 में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने की, ये कम्प्लीट हुआ था 1808 में, दुरानी फोर्ट कम्प्लीट हुआ था 1808 में और किसने किया था, शुजा शाह दुरानी ने कम्प्लीट किया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हिंदू टेम्पल के बारे में। तो हरी पर्वत के अंदर अब हम पढ़ेंगे हिंदू टेम्पल के बारे में। तो हिंदू टेम्पल का नाम है शरिका टेम्पल, ठीक है। इन्हें लोकल लैंग्वेज में हम प्रदुबन पीठ भी बोलते हैं। इस जगह की इम्पोर्टेंस कश्मीरी पंडित और हिंदू फॉलोअर्स जो है हमारे, उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनके बीच में इस जगह की। तो बेसिकली यहाँ पे पूजा की जाती है जगदम्बे शरिका भगवती की, ठीक है। अब ये जो मूर्ति है इनकी, जो भी चित्र लगा है वहाँ पे इनका, उनकी 18 आर्म्स दिखाई गई हैं और वो बैठे हुए हैं श्री चक्र के ऊपर, ठीक है। इनका नाम शरिका इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो मूर्ति है उनकी जो सिटिंग दिखाई है वो श्री चक्र के ऊपर दिखाई है, इसलिए इनका नाम शरिका पड़ा है।
ठीक है। तो अभी तक हमने हरि पर्वत के अंदर हिंदू टेम्पल पढ़ लिया और दुरानी फोर्ट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है मुस्लिम श्राइन्स। ओके, हरि पर्वत में जो मुस्लिम श्राइन्स हैं हमारे पास, उनमें से एक जो है वो है मखदूम साहिब। मखदूम साहिब जो श्राइन है उनका नाम रखा गया था हमजा मखदूम के नाम पे। हमजा मखदूम कौन थे? बेसिकली ये 16वीं शताब्दी के एक कश्मीरी सूफी सेंट थे, इन्हें लोकली हजरत सुल्तान भी बोला जाता था। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हरि पर्वत की इम्पॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे सीरीज में वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिस्पेक्टेड और इम्पॉर्टेंट जगह है कश्मीर की, दैट इज हजरत बल श्राइन। ओके, जो हजरत बल श्राइन है इसमें जो वर्ड है हजरत बल, तो हजरत को अलग किया जाए बल को अलग किया जाए, जो हजरत शब्द है ये फारसी लैंग्वेज का शब्द है और जो बल है हमारे पास ये कश्मीरी लैंग्वेज का शब्द है। हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड और बल का मतलब होता है प्लेस, तो इसे जब हम कंबाइन करते हैं बन जाता है रिस्पेक्टेड प्लेस। ठीक है, इनकी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे मुस्लिम भाई है उनके लिए इस जगह की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये जो हमारी डल लेक है उसके नॉर्दर्न साइड पे लोकेटेड है श्रीनगर में, और ये कश्मीर की होलीएस्ट मुस्लिम श्राइन है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे इज जामिया मस्जिद। ओके, तो जामिया मस्जिद इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन एज वेल एज फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जामिया मस्जिद बनाई गई थी बाय सुल्तान सिकंदर, नाम आपको याद रखना है सुल्तान सिकंदर। शुरू हुई थी 1394 में, कंप्लीट हुई थी 1402 में। आपको याद रखना है 1402 पेपर में आता है, मार्क कर रहा 1402। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की, तो ये इंडियन और मुगल मिक्स्ड है, ब्लेंड है उन दोनों का। लोकेटेड कहाँ पे? डाउनटाउन में लोकेटेड है। डाउनटाउन को हम श्रीनगर का ओल्ड सिटी भी कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर की। अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाएं जामिया मस्जिद की, ज़्यादा दूर नहीं, सिख डायनेस्टी तक ही अगर हम जाते हैं तो वहाँ महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे। ठीक है, 1819 से लेके 1846 तक ये बंद रही थी मस्जिद। ठीक है, बेसिकली उनके गवर्नर थे एक गुलाम मुहीउद्दीन। ठीक है, नाम याद रखना है गुलाम मुहीउद्दीन। उन्होंने 1843 में इसकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू की थी। ठीक है, 46 तक ये बंद रही थी, 43 की बात है कि उन्होंने इनकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू की थी इस जगह की, और उन्होंने यहाँ पे 1,00,000 से ज़्यादा रुपए लगाए थे। ठीक है, तो 1,00,000 उस ज़माने के आप आज के ज़माने से कंपेयर नहीं कर सकते, उस ज़माने के 1,00,000 की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो जामा मस्जिद की हिस्ट्री रही है कि ये काफ़ी बार बंद हुई है मस्जिद। ठीक है, काफ़ी बार इसको बंद किया गया है, वो इसलिए किया गया क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ना गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, 30,000 प्लस की कैपेसिटी है यहाँ पे, और जब इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं एक साथ तो यकीन मानिएगा अगर आप 30,000 लोगों में खड़े हैं ना तो आपको वो 30,000 लगेंगे नहीं, आपको लगेगा पता नहीं कितने 1-2 लाख लोग हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो यहाँ पे ये बन जाता है कि कई बार यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा चलता है, और जब वो एजेंडा चलता है ना तो कई बार सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वो कंट्रोल में नहीं आ पाती, मैनेज नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए ये सिचुएशन आती है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है खानका शाह हमदानी। खानका शाह हमदानी 1395 में बनी थी, इन्हें बनाया गया था शाह सिकंदर द्वारा, नाम याद रखना शाह सिकंदर द्वारा, और ये बनाया किसकी याद में था? ये बनाया था सैयद अली हमदानी की याद में, जिन्हें शाह हमदान भी बोला जाता है। बेसिकली शाह हमदान कौन थे? ये एक प्रीचर थे, प्रचारक थे। ठीक है, पर्शिया से आए थे। ठीक है, और सिटी का नाम है हमदान। ठीक है, पर्शिया की जो सिटी थी उस जगह का नाम है हमदान, ये वहाँ से आए थे और ये प्रचार करते थे धर्म का। ठीक है, तो ये खानका शाह हमदानी या खानका शाह हमदान उनके नाम पे रखा गया है। इनके बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत सारे नाम है। ठीक है, खानका ऑफ शाह हमदान, ठीक है, खानका मॉस्क, शाह हमदान मस्जिद, या खानका ए मौला। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो 1395 जो डेट है, बनाई थी शाह सिकंदर ने, और ये जो लोकेटेड है ये रिवर जेलम के बैंक पे लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। अंदर जो एरिया है वो वुडन स्ट्रक्चर से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये वुडन स्ट्रक्चर का एरिया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनकी मान्यता है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे इस सीरीज में वो है पहलगाम। पहलगाम की अगर बात करें तो ये अनंतनाग से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये
सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर लिद्दर। अगर आपको क्वेश्चन आए कि पहलगाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आपने लिखना है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ का मेन इशू है टेम्परेचर। ठीक है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही बन के रह जाती है, यहाँ लोग कम बस पाते हैं क्योंकि टेम्परेचर मेन इशू है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। आप देख सकते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पे लगभग 6000 लोग हैं। ठीक है, एक ऐसी जगह, भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत फराटेदार तरीके से ग्रो कर रही है। हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन में एक ऐसी जगह जहाँ 6000 लोग हैं, ये बताने के लिए आपको काफ़ी है कि यहाँ टेम्परेचर की कितनी मार पड़ती है। ठीक है, बाकी मैंने ब्यौरा दिया हुआ है कि मेल 56% है, फीमेल 44% है, ये आपकी जानने के लिए है। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट इतना है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे आता है, लिद्दर रिवर के बैंक पे आता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा मार है, बस ज़्यादा आपने इसमें कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है शंकराचार्य टेम्पल। ओके, तो शंकराचार्य टेम्पल का दूसरा नाम है जितेश्वरा टेम्पल। ठीक है, स्टोरी ये है कि एक बार आदि शंकराचार्य ने यहाँ विजिट किया था, उन्हीं के नाम पे ये शंकराचार्य टेम्पल रखा गया है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जो बना है ये एक सॉलिड रॉक पे बनाया गया है। ठीक है, सॉलिड रॉक पे ये फाउंडेशन जो है वहाँ पे रखी गई है, और आपको ये जो ऑक्टागन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मंदिर का, ठीक है, इसकी जो अंदर से जाके आपको लेंथ दिखेगी ये 20 फुट लंबा है, तो ये छोटा नहीं है। फोटो में आपको भले छोटा लग रहा हो लेकिन ये अंदर से 20 फुट लंबा है। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो 243 स्टेयर्स हैं जो आपको यहाँ तस्वीर में नहीं दिख रही हैं। 243 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर पहुँचोगे, और ये 8-10 सीढ़ियाँ दिख रही हैं वो इसके बाद की बात है। ठीक है, तो 8-10 सीढ़ियाँ और हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे ये है कि ये 5 बजे शाम को बंद हो जाता है, मतलब मंदिर 8 बजे बंद होगा लेकिन 5 बजे के बाद गाड़ियाँ ले जाना इस रूट पर बंद हो जाता है। ठीक है, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, भगवान शिव का टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, 1000 फीट ऊपर है वैली से। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं आपको पूरी श्रीनगर की सिटी दिखेगी, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है सोनमर्ग। ओके, तो जब आप श्रीनगर से 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे और वहां आपको सोनमर्ग मिल जाएगा। ठीक है, सोनमर्ग एक हिल स्टेशन है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ की, 392 है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, तो बहुत कम पॉपुलेशन है। इशू यहाँ ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे गिरता है, विंटर्स के वक्त बहुत हैवी स्नोफॉल होती है, एवलांच वगैरह बहुत कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, जब टेम्परेचर इतना कम गिर गया तो परमानेंट रेजिडेंट्स हार्डली मिलेंगे, लोग रह नहीं पाते हैं यहाँ पे। ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं किसी वक्त गर्मियों में ली गई एक तस्वीर है, यूजुअली यहाँ पे बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है, हिल स्टेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है, परमानेंट रेजिडेंट्स हार्डली मिलते हैं, सीजनल होते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट्स भी हैं वो सीजनली रहते हैं, जब टूरिज्म आ रहा होता है, टूरिज्म पीक पे होता है तो यहाँ आ जाते हैं, वरना मूव आउट कर जाते हैं जगह से। ठीक है, 392 पॉपुलेशन है, याद आपको ये रखना है कि गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर की तरफ नॉर्थ ईस्ट अगर आप 80 किलोमीटर जाओ तो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में सोनमर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो है खीर भवानी टेम्पल, खीर भवानी मंदिर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर अ कश्मीरी पंडित और अ हिंदू फॉलोअर। ठीक है, कश्मीरी पंडितों के बीच में इस मंदिर की बहुत मान्यता है, मैंने खुद काफ़ी लोगों से इस मंदिर के बारे में सुना है, कश्मीरी पंडितों से स्पेशली। ठीक है, तो बहुत लोग बातें करते हैं यहाँ की मान्यता के बारे में, यहाँ की इम्पोर्टेंस के बारे में, बहुत लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ पर सिचुएटेड है, तो एक विलेज है तुलमुल नाम से। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। बेसिकली जब आप श्रीनगर से 14 माइल्स ईस्ट की तरफ जाएंगे, 14 माइल्स बोल रहा हूँ मैं, याद रखना, किलोमीटर नहीं, 14 माइल्स जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो विलेज आती है तुलमुल विलेज, वहाँ पर ये मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो भी ओकेजनली रंग बदलता रहता है। ठीक है, आसपास जो पत्थर लगे हुए हैं वो बहुत सुंदर है, स्मूथ पत्थर, सुंदर पत्थर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू फॉलोअर्स हैं, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर है ये। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो से इतना ही। मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के एंड में, तो वो क्वेश्चन ये है कि इससे पहले मैंने आपको जम्मू के
हिस्टोरिक एंड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताया था। एक जगह मैंने बताई थी बाहू फोर्ट, ठीक है, उसके ऊपर एक मंदिर के बारे में मैंने जिक्र किया था। उस मंदिर का नाम आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है वो, ठीक है, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपने। तो इस वीडियो से इतना ही, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।